क्या बताएं? मैं कप्तान साहब के यहाँ इसलिए आया हूँ कि बालू खनन माफियों को 26/12/2017 में शिकायत किया था और एक बार 12/1/2018 में, फिर 17/1/2018 में मैं कप्तान साहब, डीएम साहब और उच्च अधिकारी सभी को मैं ज्ञापन दिया था जिसकी जांच हुई थी और बालू माफियों ने साजिश करके पुलिस द्वारा भूमिका करके मुझे फर्जी मुकदमा में उल्टा ही बचा दिया। मैं जनहित का काम कर रहा था, शासन प्रशासन का मैं काम मतलब सहयोग कर रहा था। इस अगर ऐसे ही फर्जी मुकदमा में शिकायत करते को अगर बजाया जाएगा तो कौन शासन प्रशासन जनहित का काम करेगा। जिसकी मैं जो है कि शिकायत किया था कि मुझे जान से मारने की फर्जी मुकदमा में बजाने की धमकी मिल रही है और वही मेरे साथ हुआ। फर्जी मुकदमा मुझे बजाया गया, अब देखो जान से कब मारा जा रहा हूँ। जिसकी शिकायत मैं आज कप्तान साहब को और डीएम साहब को मैं पत्र दिया हूँ और जिसका मैं जो है कि वो मैं कहा हूँ मैं निर्दोष हूँ और मुझे जो है कि इसका न्याय होना संघर्ष है। आज जो बालू माफियों ने है, बालू माफियों जो खनन करा रहे हैं वो ऐसे खुला ही घूम रहे हैं और वो धमकी भी दे रहे हैं कि मैं ऐसे ही फर्जी मुकदमा में बजाऊंगा और जो है जान से भी मारूंगा जो मेरे खिलाफ़ शिकायत करेगा। धन्यवाद। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उस पर जो कार्रवाई हुई थी वो लिपापोती कर गया था, जिसका मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री शासनादेश के पास मेरे पास फ़ोन भी आया था